नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, बात करेंगे हम लोग अनचाहे बालों की, अनवांटेड हेयर की। बहुत बड़ी मानसिक और सोशल प्रताड़ना होती है जब हम लोग के अनचाहे बाल निकलने लगते हैं, खासतौर से महिलाओं के जब यहाँ मुस्टैचेस के एरिया में हेयर्स आ जाते हैं या चिन पे आ जाते हैं, वह बहुत परेशान रहती हैं। आपके सामने उस समय दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है आप उसकी वैक्सिंग कराएं और दूसरा विकल्प होता है आप उसकी प्लकिंग कराएं बालों की। जब आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग के बाद आपकी जो वैक्सिंग की क्रीम्स होती हैं, ज़्यादातर लोगों की वो एलर्जीज कॉज करती हैं और स्किन को डार्क करती हैं और स्किन को ड्राई करती हैं। और दूसरा विकल्प जो आप इस्तेमाल करते हैं प्लकिंग का, वह पेनफुल होता है। सोचिए एक एक बाल आपका खींचा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। ये तो मैं कहूँगा महिलाओं में अद्भुत सहनशीलता होती है जो वह इस कष्ट को झेल लेती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम आपको उस कष्ट से भी निकालना चाहते हैं, इसीलिए आपके सामने लाए हैं यह अचूक घरेलू नुस्खा जो आपके अनचाहे बालों को रोकेगा, अनवांटेड हेयर्स को रोकेगा और आपको सामाजिक रूप से जो आपकी एक अपनी जो सेल्फ स्टीम है वह ख़त्म हो रही है उसको वापस लाने में मदद करेगा। तो पेश है साथियों अचूक घरेलू नुस्खा आपके अनवांटेड हेयर अनचाहे बालों को ख़त्म करने के लिए। आपको साथियों इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको आधा कटोरी बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर यानी कि चिक फ्लोर, आधा आधा बाउल आपको बेसन ले लेना है, उतना ही आपको दूध ले लेना है, उसी में ऐड कर देना है। जितना आपने बेसन लिया है उतना ही आप मिल्क ले लीजिए। मिल्क फ्रेश हो, मतलब अनबॉइल्ड हो तो बहुत अच्छा है, और काऊ का हो तो और अच्छा है। ना हो तो जो इस समय आपके घर पे दूध उपलब्ध है वही सबसे अच्छा दूध है। आपको दूध ले लेना है। आपको चुटकी भर हल्दी ले लेनी, चुटकी भर का मतलब आधा चम्मच हल्दी ले लेनी, हल्दी पाउडर, टर्मेरिक पाउडर। कोशिश करिएगा गांठ को जो पीस के घर में हल्दी बनती है वही आप लें। और आपको ले लेना है एक चम्मच शहद। आपको इन चारों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला लेना है, और इसको आपको जहाँ जहाँ पे आपके अनवांटेड हेयर्स हैं वहाँ पे आपको इसको लगा लेना है। इसको आपको 20 से 25 मिनट लगे रहने देना है। 20 से 25 मिनट बाद हल्के से गुनगुने पानी से अपोजिट डायरेक्शन में खींच के हाथ को अपने अपोजिट रब करके पूरा अपना इस मास्क को धो लेना है। ऐसा आपको एक महीना लगातार करना है। एक महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होने लगा, आपके धीरे धीरे ये बाल जाने लगे और दोबारा फिर यह बाल आपके नहीं आएंगे। आप इस नुस्खे को करिए साथियों, बहुत अचूक नुस्खा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अनवांटेड हेयर हार्मोनल डिरेंजमेंट के कारण होते हैं, जिसमें कि आपका जो एंड्रोजन हार्मोन्स होती है उसका डिरेंजमेंट होता है, तब आपके अनवांटेड हेयर आते हैं। तो यह एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। आपको चाहिए कि एक बार अगर आपके यहाँ समस्या खत्म नहीं हो रही तो कुशल चिकित्सक से अवश्य राय ले लें। इस नुस्खे को करिएगा साथियों, हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको इससे लाभ मिला कि नहीं। अगर मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे लिख दीजिएगा। कोशिश करेंगे आपको आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको यह अनवांटेड हेयर अनचाहे बाल का वीडियो अच्छा लगा हो मन को, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा, मुझे यह मेरी जानकारी में है। बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह नुस्खा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी इस अनचाहे बालों की समस्या से प्लकिंग या वैक्सिंग के पेनफुल प्रोसेस से निजात दिला के आपकी स्किन का भी पोषण करेगा और आपको भी चमकाएगा। धन्यवाद।